बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्हूरिया तुर्किया की 100 साल सियासी तारीख में 1983 से 2002 तक का 19 साल दौर अमूमी और सियासी अदम इस्तेहकाम का दौर करार दिया जाता है। इस दौर ने मुल्क के तीसरे माशाला के बाद 1983 में कुर्दिस्तान के मुतालबे के दौर पकड़ने के नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल के ख़राब होने के साथ दर्जन भर हुकूमतों को बनते टूटते देखा। ख़वातीन हज़रात, हम जम्हूरिया तुर्किया के 100 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से अपने जारी सिलसिले में आज तुर्किया में अमन अमान और सियासत में अबतरी के अहम दौर का अहाता करेंगे, मगर इससे कबल आपसे इल्तमास है कि अपनी स्क्रीन पर घंटी के निशान को दबा कर हमें अपनी कदरदानी से नवाजिए। जम्हूरिया तुर्किया में 1984 में मुख्तलिफ कुर्द बागी ग्रुपों की जानब से मुल्क की अलहदगी और आज़ाद कुर्दिस्तान बनाने का मुतालबा सामने आया। मुल्क के जनूब मशरकी कुर्द अक्सरियत इलाकों में शुरू होने वाली इस तहरीक के पीछे बुनियादी तौर पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी थी, जिसे आज एक दहशतगर्द तंजीम PKK के नाम से जाना जाता है। मुल्क के जनूब मशरक में हालात खराब होने पर इस इलाके में जुलाई 1987 में हंगामी हालत का इनफाज कर दिया गया, जो नवंबर 2002 तक जारी रहा। तहम फौज की छतरी के नीचे 1983 में बनने वाली वज़ीर आज़म तुर्गत अज़ल की हुकूमत 5 साल से ज़्यादा अरसा बरसे इक़्तदार रही, और 1987 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद यह हुकूमत सिर्फ 1.5 साल तक चल सकी, जिसके बाद 18वीं ग्रैंड नेशनल असम्बली ने एक साल से कुछ ज़्यादा अरसा कायम रहने वाली दो और हुकूमतें भी देखीं, जिनकी क़्यादत यल्दर मखबत और अहमद महसूद यलमाज ने की। तुर्किया में सियासी अदम इस्तेहकाम 1990 की दिहाई में भी जारी रहा, और मुल्क की 19वीं असम्बली ने पहले बुजुर्ग सियासतदान सलमान डेमरल की 1.5 साल हुकूमत और उसके बाद 1995 में 20वीं कौमी असम्बली के इंतखाब से पहले तक मुल्क की अब तक की अकेली खातून वज़ीर आज़म तानसू चीलर की 3 बनती और टूटती इत्यादि हुकूमतें देखीं। नवंबर 1995 में बनने वाली तुर्किया की 20वीं असम्बली ने एक बार फिर महसूद यलमाज को एक कमज़ोर इत्यादि हुकूमत का सरबरा बनाया, जो सिर्फ 114 दिन कायम रही, जिसके बाद मुल्क की बागडोर इस्लाम पसंद वेलफेयर पार्टी के निजमतीन अरबकान के हाथ आई, मगर एक बरस बाद ही उन्हें मुल्क की ताकतवर फौज ने कमाली सेकुलर सोच के लिए ख़तरा करार देकर इकदार से अलग होने का मशवरा दिया। इस पर उन्होंने अमल किया और हुकूमत एक मरतबा फिर यलमाज को सौंप दी गई, जिन्होंने सीनियर सियासतदान बुलंद अजवद के साथ मिलकर असम्बली की मुद्दत के इख्ताम तक 1.5 साल हुकूमत की, जबकि इसी अस्ना में वेलफेयर पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। अप्रैल 1999 में होने वाले इलेक्शन में एक मरतबा फिर बुलंद अजवद की डेमोक्रेट लेफ्ट पार्टी ने रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जो मुल्क की 22वीं असम्बली के क्याम के लिए 3 नवंबर 2002 को होने वाले इलेक्शन तक कायम रही, जिनमें रजब तैयब उर्दवान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने तारीखी कामयाबी समेटी, जो आज तक बरसर इकदार है। सुहेल शहरयार, पाकतुर्क न्यूज़, लाहौर।